आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग एक शादी एक पत्नी से परेशान हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अजब प्रेम की गजब कहानी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यहाँ एक दुल्हे ने एक ही मंडप में दो दुल्हनों संग सात फेरे लिए। दरअसल दूल्हा दो लड़कियों से मोहब्बत करता था, वह किसी से भी अलग नहीं होना चाहता था। ऐसे में उसने ऐसा हैरत अंगेज फैसला लिया जिसके चलते बस्तर में हर तरफ इस शख्स की चर्चा होने लगी। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक युवक रहता है। वह दो लड़कियों से मोहब्बत करता था और उनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे में उसने दोनों से एक साथ शादी कर ली। इसके लिए युवक ने बकायदा शादी के कार्ड में दोनों लड़कियों का नाम छपवाया। हैरत की बात यह है कि इस शादी के लिए तीनों के परिवार भी मान गए। बताया जा रहा है कि टिकरा लोंगा में रहने वाले चंदू मौर्य को हसीना बघेल और सुंदरी कश्यप से मोहब्बत हुई। इस दौरान सुंदरी और हसीना को एक दूसरे के बारे में जानकारी थी, यहाँ तक कि तीनों एक साथ कॉन्फ्रेंस पर बात भी करते थे। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी कि सुंदरी गर्भवती हो गई। सुंदरी के गर्भवती होने पर परिवार वालों ने शादी का दबाव बनाया तो चंदू ने दोनों ही लड़कियों को अपनाने की इच्छा जाहिर की। काफी कश्मकश के बाद तीनों परिवार इस शादी के लिए राजी हो गए और टिकरा लोंगा में ही शादी का आयोजन किया। लोगों का कहना है कि चंदू ने एक ही मंडप में दोनों लड़कियों के साथ सात फेरे लिए। इसके बाद गांव में रिसेप्शन भी किया गया। रिसेप्शन में स्टेज पर दो दुल्हन और एक दूल्हे के बैठने की व्यवस्था की गई। इस दौरान लोगों ने उन तीनों को शादी की बधाई दी। हालांकि अजब प्रेम की यह गजब कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही।